am Laiba. I am Rida. And we are Mirza sisters. हमने अब दोबारा व्लॉगिंग शुरू कर दी है, जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से शुरू कर दी है। और इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं, तो किचन में बन रहा है खाना। खाने में क्या बन रहा है? कड़ी। कड़ी बहुत टेस्टी कड़ी। वो आजकल टेस्टी खाने बन रहे हैं वैसे। नहीं, कल हलीम बनी है, आज कल मम्मा मेहनत कर रही है, आज मम्मा को मैं ऐसे हंसती है जैसे जनरेटर को आप चलाओ बीच में स्टक नहीं हो जाता है ना? नहीं ऐसी बात, बहुत वियर्ड लाफ, बहुत अच्छी, बहुत वियर्ड लाफ, बहुत प्यारा हंसती हूँ मैं। माशाल्लाह नजर न लगाना मेरे, फिर अल्लाह नजर न लगानी, माफ करे इस लोग। ओह ओह माय गॉड, तेरे अपने मुंह में मिट्टी बन गई। हां नहीं, खुद ही खाए। हां खुद ही खाए। हां मैं नहीं अपने मुंह में मिट्टू। जब कोई तारीफ करती तो बहुत शौकी हो जाती, जब कोई नहीं करता ना तो अपने मुंह से ही करती रहती है अपनी तारीफ, है ना? नहीं मैं शौकी नहीं होती, चलो हो जाती है, नहीं होती। ऐसे ही बड़ी है, लगती नहीं ना तो ही मेरा बच्चा। तो मेरी अम्मा लग रही है रिदा, कसम से मेरी अम्मा लग रही हो। कभी कभी एडवांटेज भी होता है बड़े दिखने का, यू नो। सो फ्रेंड्स, वैसे ही हम कह रहे थे कि मजाक कर रहे थे कि मम्मा बहुत काम करती है, उन्होंने आज कपड़े भी धोए हैं और आज कड़ी चावल भी बना रही हैं। मेहनत वाले खाने बना रही हैं। उन्होंने हलीम बनाया था तो इस वजह से ऑकवर्ड साइलेंस। बैड बेटियां। ओह माय गॉड, हैशटैग मम्मा से काम कराने वाली। सबको करना चाहिए, हमें इसलिए भी काम करना चाहिए। जब बंदा नहीं ना करता तो वो लेजी हो जाता है, हम उनको एक्टिव रखना चाहते हैं, वो यंग रहे, एक्टिव चिपले खाएगी, चुप हो जा, यंग रहे, एक्टिव रहे, ठीक है? फिर जो नहीं करते वो बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो बैठ ही रहते हैं, फिर वो वक्त से पहले बुढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा एक्टिव रखते हैं। रिदा को ये व्लॉग मम्मा जब देखेंगी ना, देखने के बाद बड़ी चप्पलें पड़ने वाली है, वो जूतों से इसकी कुटाई होने वाली, आदत होगी कोई पढ़ने वाली है, बड़ी पढ़ने वाली। और ये हमारी जो दो छोटी बहनें हैं ना, वो शिकायती टट्टू में इधर उधर घूमती रहती, शिकायत उनका काम ही क्या है, मम्मा को तंग करना कि आपी ने ये करा, इस आपी ने वो करा, अब जाके शिकायतें नहीं लगाती, अब जाके शिकायत लग रही है मम्मा से कि आपियाँ ये बोल रही हैं आपके बारे में। वो तो खुद देखेंगे, बोला पता चल जाएगा हमने क्या क्या बोला, हमने तो कुछ गलत बोला, कुछ बोला गलत हमने, दीदा थप्पड़ खाएगी कैसे? नहीं क्या, मैंने क्या बोला, मैंने तो सारा कुछ सच बोला, मैंने सही बोला। बहुत टेस्टी से कड़ी चावल तैयार हो चुके हैं, मैंने कड़ी बहुत ज़्यादा ही डाल ली है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। सो अब हम खाने लगे हैं और खा के फिर मिलते हैं। सुबह हो चुकी है, और सुबह नहीं हुई है वैसे, मेरा मतलब सुबह हो गई है लेकिन मेरी सुबह नहीं हुई है। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जाग रही हूँ, सोई नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि फजर के बाद फिर नींद नहीं आई है बिल्कुल भी, तो इस वजह से जाग रही हूँ। तो अब कोशिश करती हूँ, अगर नींद आई तो सो जाऊँगी, वरना जागती ही रहूँगी, मे बी, आई डोंट नो। सो उसके अलावा बात यह है कि इंस्टा पे आप हमें जाके फॉलो करें, वहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं, और बस समटाइम्स होता है ऐसे, ये बात नहीं है कि फिर हम बहुत लेट सो के उठते हैं या ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको जस्ट उठेंगे, मैं आपको टाइम बताऊंगी, अब असर से सॉरी जोहर से पहले पहले उठ जाते हैं सारे ना, जोहर से पहले उठ जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं आप जोहर के टाइम, मतलब जोहर से पहले उठ कर फिर आप लोगों से मिलते हैं और बाकी की बातें करते हैं। फ्रेंड्स उठ चुके हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा था 1 बज रहा है और जोहर हो चुकी है, तो मैं पढ़ भी चुकी हूँ। सो अब नाश्ता वगैरह बनाने लगी हूँ, मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, चाय तो बनानी होती है उसके साथ, अब कड़ी देखते हैं रात की जो है वो, या फिर कुछ और देखती हूँ जो है, फिर वो बना देते हैं नाश्ते में ना। अब क्या लगा हुआ है मेरे फेस पे? नहीं
कुछ पक गया। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा पहले नाश्ता बनाने से पहले जो है दही चीनी बना लिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं अपने लिए और मम्मा के लिए जो है दही और चीनी बनाने लगी हूँ। अब मैंने दही मंगा के रखा हुआ था इसी चीज़ के लिए कि चलो यार काम आ जाता है और खा ही जाए गर्मी में ना, तो इसलिए अब मम्मा के लिए अपने लिए मैं दही चीनी बना रही हूँ, वो तक खा लें हम लोग अभी ना, काफ़ी है इतना। ले जी, चीनी इसमें डल गई है, बस अब इसको मिक्स करना है और खाना है। चीनी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन खैर दही खट्टा है ना रात का, तो इस वजह से गला ख़राब हो, उससे बेहतर है थोड़ा सा ना बंदा इसको मिक्स ही कर ले, मतलब चीनी ज़्यादा ही डाल ले। बस अब ये खा लेते हैं। करिश्मा, करिश्मा तन्ना, देखो रिदा आज नाश्ता बना रही है, सिर्फ तल रही है ना और गर्म करेगी। क्या बात है रिदा, आज तो सुबह हो गई तुम्हारी। क्या बात है, जबरदस्त, आज कमाल ही हो गया। हाँ आज कमाल ही हो गया, सुबह ही हो गई आज तो। यकीन नहीं हो रहा मुझे। ओ माय गॉड, तुम भी इतनी जल्दी उठ गई है, वो भाग गई नाविया। चाय चढ़ाएं, चाय देखे, चाय भी नहीं चढ़ रही। मैं इसे फ्राई करूंगी और गरम करूंगी, चाय चढ़ाएं। चलो शाबाश, मेरे को पहले अपना दही खाने दो। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और उसके बाद काम वगैरह थोड़े से समेटे और फिर असर हो गई थी, तो असर वगैरह पड़ी है, असर के बाद का टाइम हो रहा। तो मम्मा कह रही हैं कि तुम बना लो खाना, क्योंकि मम्मा बहुत दिन से जाहिर सी बात है इतने अच्छे बना रही हैं डिशेस। सो मम्मा ने कहा तुम बना लो खाना, तो अब मैंने कहा अच्छा, मैं सोच रही हूँ तब से कि मैं क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, सबसे पूछी जा रही हूँ बता दो बता दो, कोई बता भी नहीं रहा है। ऊपर से गर्मी इतनी, किचन में जाने का नहीं दिल करता, सो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सो देखते हैं, मैं जो बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। वो फ्रेंड्स, मैंने ऑयलिंग की हुई थी जैसे कि आपको पता है, जब मैं किचन में थी तो सारे काम वाम करने के बाद नहा कर आई हूँ, मतलब मज़ा बिल्कुल नहीं आया, नहाने में मज़ा ही नहीं आ रहा, इतना गर्म पानी, इतना गर्म पानी। मैं सोचती हूँ ऐसा पानी सर्दियों में मिले तो मज़ा आ जाए, लेकिन सर्दियों में ठंडा होता है, तो फिर भी नहा लिए। नहाने के बाद इतनी गर्मी, पसीना, और ये पता नहीं कौन से खातून है बेचारी, खैर इग्नोर हर, ठीक है। तो देखिए इतनी गर्मी है, बाल सूख भी गए 5 मिनट में। और मैं एक और आपको कमाल की चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, सारी बच्ची अच्छी हो गई है, नमाज पढ़ती है सारे टाइम की, गुड गुड गर्ल हो गई है। हाँ, एक और न्यूज़ मैंने आप लोगों को देनी है कि मैंने बीच में टिकटॉक बनानी छोड़ दी थी, अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया था, तो उस वजह से मेरे काफ़ी फॉलोअर्स गए भी हैं और लाइक्स वगैरह व्यूज़ भी बंद हो गए थे। तो अब मैंने दोबारा अपना अकाउंट से प्राइवेसी हटा दी है, पब्लिक अकाउंट है, अब जाके आप विज़िट भी कर सकते हैं और अब मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ भी बनाऊँगी साथ साथ, तो आप वो भी देखते रहिएगा। अगर आपको देखना है मेरे टिकटॉक पे जाएं, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें, और अब बहुत अच्छे अच्छे मैं कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी, फ़नी वीडियोस बनाऊँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। इन अजीब सी हुई भी है, मतलब समझ नहीं आ रहा, रोज़ लगता है जैसे एक ही दिन बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ में कन्फ्यूज़ किया हुआ हमें स्टूडेंट्स को भी, स्टडीज़ तो अपनी कर रहे हैं लेकिन फिर उन्होंने आगे पेपर्स कर दिए, पता नहीं कब लेते कब नहीं। मेरे ख्वाब में रोज़ आ रहा होता है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हुई एग्ज़ाम दे रही होती हूँ, अब रियल में पता नहीं कब देने पड़ेंगे। तैयारी तो अपनी फिर भी करते रहूँगी, लेट्स सी क्या होता है, अभी तो आगे जाए जा रहे हैं, आगे जाए जा रहे हैं। छोटी क्लासों को तो प्रमोट कर दिया, हमें तो नहीं करेंगे, इस बार लाजमी एग्ज़ाम्स लेने उन्होंने, लाजमी। ईजी ये हो गया हमारे लिए कि सिर्फ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, तो
विश्मिलक फ्रेंड्स, जब मैं सोच रही थी खाने का, पहले तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पकाना क्योंकि मैं पूछ ही जा रही हूँ कि क्या बनाना, नहीं बता रहा कोई, नहीं बता रहा तो ना सही नहीं बनाना। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये काम कर लेते हैं कि ना माश की दाल बना लेते हैं। ओ यस आई लव माश की दाल। हिला लो पहले कैमरा, हिला लो तुम। आई वाज एक्साइटेड ब्रो। हाँ, चक्कर ही आने लग जाते हैं। अच्छा, तो माश की दाल बनाना, अगर आपने उसकी रेसिपी देखनी है तो मेरी मम्मा के चैनल पे जाएं, मलाइकाज किचन, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसकी टेस्टी सी रेसिपी। तो उसी रेसिपी से उसी ये लड़की बनाएगी। वैसे मैं आपको पहले वार्निंग दे रही हूँ, तो अपनी रिस्क पे बनाइएगा। मैं कह रही हूँ मम्मा के चैनल पे जाके रेसिपी देखें। तो रेसिपी तो आप देंगी ना? नहीं, मैं नहीं दूंगी मम्मा की। मम्मा वाली फॉलो करना, इनकी वाली पता नहीं कैसा नहीं, बनाती मम्मा है। मम्मा वाली फॉलो करें, मैं आपको रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो जो है, मैं आपको रेसिपी नहीं दिखा रही क्योंकि एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से मुझसे जो है पकता नहीं है खाना। मैं इतनी वेली नहीं हूँ कि इनकी रिकॉर्ड करूँ जी, तो इसलिए मम्मा वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी है, आप उनकी जाके देखिए। सेम रेसिपी है, मैं उनकी फॉलो कर रही हूँ रेसिपी क्योंकि उन्होंने सिखाया बनाना। बट फिर भी ये हाथ लगेंगे, ये हाथ। ओए नहीं नहीं मेरी बच्ची जाहिली मार खाने वाली हो रही है, और कोई बात नहीं है, ओवर हुई है आज, नहा के आई है ना इसलिए। गर्म पानी तो नहा कर आई है, नहा के आई है तो ओवर हो गई। हफ्ते बाद तो नहाना होता है। कोई नहीं, मेरे लिए बुरा फील ना करना, आदत हो गई, मेरे रोज का काम है। रोज किसी ना किसी बात पे पहले अपने बाल संभाल लो। हवा में उड़े हैं ये, पता नहीं क्रेंट लग गई इनके बालों को। ये देखो, बेइज्जती प्रूफ, यू नो, बेइज्जती सुन सुन के बंदे को आदत भी हो जाती है। तो जो मानो है वो तो कह रही है नहीं माश की दाल नहीं पकानी, उसके तो नखरे ही खत्म होते, लेकिन हमने तो बनाना वही है। सो फ्रेंड्स, आज का हम व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। आपने हमारे इंस्टा पे जाना है और टिकटॉक पे, वहाँ इंटरेस्टिंग जाना है। क्यों नहीं जा रहे हो हैं? हर व्लॉग में कहते, कब से कहते हैं नहीं यार, दिमाग खराब करते हैं, जाते ही नहीं है, ये क्या बात हुई? कुछ लोग वॉच कर करके भाग रहे, सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं करते, ऐसी नजरें रख रहे, फॉलो नहीं ना कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे? तो आपने वहाँ जाके लाइक सब्सक्राइब और फॉलो यहाँ पे भी करना है, वहाँ पे भी करना है। सो और दूसरी बात ये कि मुंह बना रहे लोगों का, हम तो माशी डाली बनाएंगे, है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, मेरा हार्ट टूट, कोशिश करते हैं कोई बाहर की एक्टिविटी हो जाए हमारी। घर में बैठे, घर में कुछ है ही नहीं, एक्टिविटी नहीं है फ्रेंड्स, आप कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट व्लॉग हम आपका फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी रात के बज रहे हैं, उसी टाइम हो रहा है, 8:30 ही हो रहे हैं, जैसे हमने कल स्टार्ट करा था 8:30 हम एक व्लॉग, जैसे ही हमारा फिनिश होता है तो हम दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। सो एक दिन पूरा दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे व्लॉग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टा टिकटॉक पर ज़रूर फॉलो करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।